नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाऊणं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जब लो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। मध्यान्हकालीन ये सत्र प्रारंभ हो रहा है। आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए आप सभी तैयार हैं। पारस चैनल और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से पूरे देश के अंदर बैठे हुए भक्तगण और विशेष रूप से स्वाध्याय प्रेमी भाई बहन इस क्लास को अटेंड करते हैं। आश्रव त्रिभंगी नाम का ग्रंथ चल रहा है। पहले मंगलाचरण पणमिय सुरेन्द्र पूजिय पय कमलम बड्ड मान ममल गुणम पच्चे सत्तावन्नम ओचे हम सुनह भवीय जना। विक्रम संवत की 1300 शताब्दी में हुए आचार्य श्री श्रुत मुनि के द्वारा रचित यह आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ है। आश्रव का मतलब ही है कर्मों का आत्मा में आना। त्रिभंगी का मतलब है तीन भेद स्वरूप, अर्थात कर्म कैसे आते हैं ये हुआ आश्रव, कौन से कर्म कब किसके पास नहीं आते हैं ये हुआ अनाश्रव, और कर्म कौन से कर्म किस गुण स्थान में विच्छिन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, समाप्त होते हैं ताकि अगले गुण स्थान में उनका अनाश्रव हो जाता है, यह हुई आश्रव विच्छुत्ति। तो आश्रव, अनाश्रव और आश्रव विच्छुत्ति, इन तीन प्रकरणों को लेकर के यह आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ रचा गया है और इसका स्वाध्याय चल रहा है। यानी कि कर्म सिद्धांत के विषय में जानने के लिए सर्वप्रथम ये प्रवेश द्वार है। बिल्कुल छोटा सा ग्रंथ किंतु कर्मों के आने के माध्यमों को जानने के लिए हर आत्मा के अंदर चूंकि कर्म आते ही रहते हैं, एक क्षण भी नहीं है, यानी सोते समय, बेहोशी के समय, हर समय कर्मों का आना चालू ही रहता है। इसलिए यह कर्म की व्यवस्था को बताने वाला प्रथम ग्रंथ कुंजी के रूप में है। तो आश्रव के बारे में हम चलेंगे आगे, क्योंकि कर्मों के आश्रव के कारण ही संसार की वृद्धि होती है। यानी जब उन कर्मों के साथ मैत्री कर ली जाती है तब वो बंधने लगते हैं, अपने साथ बंध जाते हैं, जैसे किसी के साथ रिश्तेदारी हो जाती है तो फिर वे उसके घर के मेहमान बन जाते हैं, और अगर रिश्तेदारी नहीं करनी होती है तो उनके साथ थोड़ी निगेटिविटी रहती है और उनको उतना महत्व तो नहीं दिया जाता तो वो चले जाते हैं। तो इसी तरह से कर्मों की व्यवस्था है। आप कर्म के आश्रव को मंगत राय कवि ने 12 भावना के अंदर लिखा, जो सर जल आवत मोरी त्यों आश्रव कर मन को, दर्वित जीव प्रदेश गए जब उद्गल भर मन को, भावित आश्रव भाव शुभाशुभ निष्दिन चेतन को, पाप पुण्य के दोनों कर्ता कारण बंधन को, पण मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरति जानो, पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो, मोह भाव की ममता टारे पर परिणति खोते,
करें मोक्ष का यतन निराश्रव ज्ञानी जन होते। आश्रव की महिमा बताई कि जैसे मोरी से जल आता है सबके घर में, मोरी मोरी माने नाली, नाली से जल आता है, वैसे ही आत्मा में कर्मों का आश्रव होता है, वह शुभ और अशुभ दो रूप से होता है। इसलिए चैतन्य आत्मा में पुद्गल कर्म के संयोग से, शरीर आदि के संयोग से कर्म आते रहते हैं और उन्हीं का नाम है आश्रव। तो भेद भी बता दिए, पण मिथ्यात्व योग 15, पांच मिथ्यात्व, 15 योग, 12 अविरति और 25 कसाएं, ये सब मिलकर के 57 होते हैं। कितनी संख्या बताई? 57। 57 आश्रव के भेद होते हैं जिनके निमित्त से आत्मा में कर्म आते हैं। तो मंगत राय कवि कविराज ने बहुत ही सुंदर पंक्तियों में, जब हम लोग कभी किन्हीं संत की संलेखना, समाधि मरण या उनको पाठ वगैरह सुनाते हैं, तब इस मंगत राय की 12 भावना को बड़े अच्छे से साधुजन सुनते हैं। विशेष रूप से हमने देखा था पूज्य आरिका श्री रत्नमती माता जी थी, जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की गृहस्थ अवस्था की जननी, और जिन्होंने गृहस्थ धर्म को छोड़ करके और आरिका के व्रतों को धारण किया, रत्नमती माता जी बनी। हमेशा इस 12 भावना को जरूर सुनती थी और बहुत अच्छा लगता था उन्हें। मोह भाव की ममता टारे पर परिणति खोते। आश्रव भावना के अंत में उन्होंने कहा, क्या कहा कि जहां पर मोह भाव यानी ममता का परित्याग कर दिया जाता है, वहीं शरीर की ममता, परिवार की ममता, इन सब के मोह को, ममता को, ममत्व को त्याग दिया जाता है, तब समझो कि वह ज्ञानी होता है और वो मोक्ष का यत्न करता है, मोक्ष की ओर बढ़ने का प्रयत्न पुरुषार्थ करता है। ऐसे आश्रव भावना को आपको बताया जा रहा है कई प्रकार से। राजा राणा छत्रपति में भी आप पढ़ते हैं 12 भावनाओं को, और ज्ञानमती माता ने इतना सुंदर एक 12 भावना रची, जब कर्नाटक प्रांत में गई सन 1965 में, उन्होंने श्रवण बेलगोला में चातुर्मास किया। इनकी मातृभाषा उत्तर भारत की हिंदी थी, अवध प्रांत में जन्मी है, लेकिन कर्नाटक में जाने के बाद वहां प्रवेश करते ही इन्होंने पुस्तक लेकर के स्वयं ही कन्नड़ भाषा सीख ली। समझे ना, ऐसे हम लोग थोड़ी सीख पाते हैं। और सबसे पहले कन्नड़ भाषा में इन्होंने 12 भावना बना दी। उस समय तक कन्नड़ भाषा में कोई 12 भावना नहीं थी। आज भी जब संतगण किसी नगर में चातुर्मास करते हैं या कर्नाटक के कोई श्रावक श्राविकाएं आते हैं, जैसे उनको हम कहते हैं कि कर्नाटक भाषा में, कन्नड़ भाषा में 12 भावना आती है, तो बोलने लगते हैं, अरे सर्वे भव सुर विमानव धन यौवन संपद बेल्ला निरुत निधर इंद्रिय भोग स्थिर बेल्ला। तो इसके अंदर भी आश्रव भावना में बहुत सुंदर कहा, हमने भी याद किया। और जितनी देर में हिंदी या संस्कृत के पद याद हो जाते हैं, उससे 4 गुना ज्यादा समय लगा हमें कन्नड़ की 12 भावना याद करने, क्योंकि कन्नड़ अपनी मातृभाषा है नहीं। लेकिन हमने कहा कि जब ज्ञानमती माता ने उसको बनाया है तो कम से कम हम याद तो कर लें। और कल जब उसका पाठ कर रही थी तो बड़ा अच्छा लगा आश्रव भावना के बारे में पढ़कर। मिथ्या अविरत कसाय योगदि कर्म गणंटौ कूड़ौ सत्या सत्य दासव दलिता नोंदियुदु। एक भी शब्द आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसकी हिंदी क्या है? कहते हैं मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इनके द्वारा 8 कर्मों के
आश्रव को आत्मा में किया जाता है, यानी इनके माध्यम से आठों कर्म आत्मा में आते हैं। ये शुभ और अशुभ रूप से बंद करके अच्छे बुरे कर्मों फलों को देते हैं। शुभ कर्म किया किसी ने, उसका फल सुख रूप में मिलता है। अशुभ कर्म किया किसी ने तो उसका फल गलत रूप में मिलता है, उसका फल खराब मिलता है, अशुभ मिलता है। तो शुभ अशुभ रूप से आश्रय दोनों प्रकार से किया जाता है, अपने ऊपर है कि हम चाहें तो अच्छे कर्मों को बुला सकते हैं, हम चाहें तो खराब अशुभ कर्मों को भी बुला सकते हैं। अब उसका उदाहरण दिया, रंद्रव होंदिद हडगिन परियल मेलन नासव होंदी उदु ई तेर दली भव जलदि उड़ात्मन दास्रव दलिता नोंदी उदु। जैसे जहाज में कोई छेद हो जाए, यानी जलयान होता है, स्टीमर है या नाव है, तो उसके अंदर कोई छेद हो जाए तो चारों तरफ से उसमें जल भरने से वह नदी में या समुद्र में डूब जाता है। थोड़ा बहुत भरा तो उसको चला लेते हैं जरा जरा सा, लेकिन ज्यादा अगर जल उसके अंदर भर गया तो नाव डूब जाती है कि नहीं, नाव डूब जाती है। उसी प्रकार से कहा कि संसार समुद्र, यह आत्मा संसार समुद्र के अंदर ये आत्मा आश्रव के कारण डूब जाता है। वे आचार्यगण हमको और आपको संबोधित क्यों करते हैं कि आप जानो कि ऐसे ऐसे कर्म आते हैं, क्यों दिखते हैं नहीं भाई, कोई मेहमान तो आता हुआ दिख रहा है लेकिन कर्म आ रहे हैं बन रहे हैं ये हमें दिखता नहीं, उसका फल मिलता है जब, तो शुभ अशुभ रूप में उसको भोगते हैं। तो इस आश्रव भावना को समझ करके मिथ्यात्व आदि से बचना, उनके विपरीत सम्यक्त्व और अविरति का विपरीत विरति माने व्रतों को धारण करना, अपने योग्यता के अनुसार अष्टमूल गुण पांच अणुव्रत छोटे छोटे नियमों को भी जब धारण किया जाता है तो आत्मा धीरे धीरे करके और अपने गंतव्य तक पहुंच सकती है। जैसे चींटी बहुत धीमे चलती है, कोई धीरे धीरे चलता है चींटी की चाल चल रहे हैं, चींटी बहुत धीरे धीरे चलती है, मगर अगर मार्ग अवरुद्ध नहीं हुआ तो कभी तो अपने स्थान पर पहुंची जाती है। ऐसे ही भले ही छोटे छोटे नियम पालन किए गए, चींटी की तरह हमने जीवन के अंदर शुभ आश्रय किया और चले मोक्ष मार्ग पर, तो भले ही देर होगी लेकिन हम कभी ना कभी उन आश्रयों से रहित अपनी आत्मा को करके मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ये मैंने आपको आश्रय की बात बताई अनेक भाषाओं में, मराठी के अंदर, मैंने तो अंग्रेजी के अंदर भी 12 भावना लिखी, आपको बताऊंगी। तो इन पद्यों के माध्यम से कवियों ने, छंद रचनाकारों ने हमें संक्षेप में 12 भावना पढ़ने के लिए प्रेरित किया कि आपके अंदर जो कर्म के चोर बैठे हुए हैं उनको कैसे शोर मचा करके बाहर करना। आपने जान लिया पांच मिथ्यात्व, एक बार रिपीट करा देती हूँ, पांच मिथ्यात्व हैं कौन से, एकांत विपरीत विनय संशय और अज्ञान। ये पांच प्रकार से प्राणी मिथ्यात्व करता है और जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं कर पाता। 12 अविरति हुई, यानी कि पांच इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं किया, जिस इंद्री ने जो कहा बस उसकी सामग्री उपस्थित करती, मन पर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये इंद्रिय असंयम कहलाया। तो पांच इंद्रियों के साथ मन को भी इंद्रियों के साथ ही शामिल कर लिया तो इसको कहते हैं इंद्रिय असंयम। और प्राणी असंयम यानी कि खूब हिंसा की, पांच स्थावर काय होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति और एक त्रस काय, यानी दो इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रिय तक प्राणी। एक इंद्रिय प्राणी, जल नल खुला है तो खुला है, आग जल रही है तो जल रही है, किसी प्रकार का मन के अंदर ये ज्ञान नहीं है कि बिना कारण अग्नि का एक जीव जल रहे हैं या बिना कारण जल ढोल करके हम जीवों की विराधना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कभी कभी व्यक्ति जब जैनागम के ज्ञान के रहस्य से अपरिचित होता है तो इन चीजों को जान ही नहीं पाता कि मैं किसी तरह से जीवों की विराधना कर रहा हूं।
बस इतना ही मानते हैं, किसी को हमने मार दिया, उसकी जान ले ली, यही हिंसा है। नहीं, हिंसा भी कई तरह की होती है, किसी के मन को दुखाना भी हिंसा है। तो छह प्रकार की प्राणी संयम से अविरति, यानी कि प्राणियों का वध करने में हमने कोई संकोच नहीं किया, तो ये 12 प्रकार की अविरति हो गई, 12 प्रकार का असंयम। 25 कसाय क्रोध मान माया लोभ को अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन, इन 4 से गुणा किया तो 16 प्रकार की कसाय, 9 कसाय उसमें मिलाई। हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये सब कषाय हैं। हंसना भी 9 कषाय में है, समझे ना। हंसने से भी कर्म बंद होता है। अगर भगवान के सामने हमने खूब आनंद के साथ मुस्कुराते हुए भगवान की स्तुति की तो वो 9 कर्म में नहीं आएगा, लेकिन किसी को देख के हंसा है ना, या बहुत ज्यादा बैठ करके केवल हंसी मजाक करने लग गए, ये सब कषाय और 9 कषाय में आते हैं। और तो ये हो गई कषाय। और योग होते हैं 15। मन वचन और काय 3 योग हैं। मन के 4 सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। और काय योग होते हैं 7, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रक काय योग, वैक्रक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग, और कारमान काय योग। काय माने शरीर, अपने आपके पास में और हमारे पास में कौन सा काय योग है, औदारिक काय योग, समझे ना। माता पिता के रजवीर से जो शरीर बनता है उस शरीर का नाम होता है औदारिक शरीर। तो कुछ कुछ चीजें ध्यान रख करके जाना, समझे सम्यक जैन, कि हमारे औदारिक शरीर है। और आहारक शरीर होता है, जब कोई मुनि रिद्धिधारी होते हैं तो उनके शरीर से मस्तक से आहारक पुतला निकलता है, और देव और नारकियों के वैक्रियक शरीर होता है, समझे। और मनुष्य और तिर्यंचों के पशुओं के औदारिक शरीर होता है। ऐसे 15 योग, तो 5, 12, 25 और 15 को मिलाया तो 57 आश्रय हो गए। तो आपको विशेष विशेष आश्रयों के बारे में पहले बताया गया, इसमें मैं थोड़ा रिपीट करा रही हूँ क्योंकि कल थोड़ा गैप हुआ था। तो कौन से गुण स्थान में कौन से विशेष आश्रय होते हैं, उसके बाद आपने जाना कि 14 गुण स्थान में कौन से गुण स्थान में कितने आश्रयों की विच्छित्ति है। अब आज आप जानेंगे कि कौन से गुण स्थान में कितने कर्मों का अनाश्रय होता है। अनाश्रय माने न आश्रवा अनाश्रवा, नए समास के द्वारा बना है। तो अब हम चलते हैं 12 नंबर की गाथा में। खोलिएगा, जिनके पास पुस्तकें पहुंच गई हैं 5 नंबर का पेज, और जिनके पास पुस्तक नहीं पहुंची है तो आपका व्हाट्सएप नंबर पारस चैनल में चल रहा है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन निःशुल्क करा लें, आपके पास पुस्तक पहुंच जाएंगी। तो अब 12 नंबर की गाथा। मिच्छे हार दुशासन, मिच्छे हार दुशासन, सम्मे मिच्छत पंचकम नथी, सम्मे मिच्छत पंचकम नथी, अणदो मिस्सम कमम, अणदो मिस्सम कमम, मिस्सेण च उत्थये सुनः, मिस्सेण च उत्थये सुनः। एक साथ सब लोग सामूहिक रूप में गाथा पढ़िएगा। मिच्छे हार दुशासन, सम्मे मिच्छत पंचकम नथि, अणदो मिस्सम कमम, मिस्सेण च उत्थये सुनः। मिथ्यात्वे आहारक द्विकम सा साधन सम्यक् मिथ्यात्व पंचकम नास्ति, अनह द्वे मिश्रे कर्म मिश्रे न चतुर्थे श्रणुत। हे भव्यात्माओं, अब सुनो। तो इसका हिंदी में पद्यानुवाद है। मिथ्या दृष्टि को आहारक द्वय का आश्रव नहीं होता है, पांचों मिथ्यात्वों से विरहित सा साधन दृष्टि होता है। मिश्र तीसरे गुण स्थान में च
चारों अनंतानुबंधी औदारिक वैक्रियक मिश्र कार्मण आश्रव ये सात नहीं। अब हिंदी में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और पुस्तक के माध्यम से भी जानिए। सबसे पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्यात्व गुणस्थान। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में दो कर्म का आश्रव नहीं होता, ये अनाश्रव की बात चल रही। आपने आश्रव जाने हैं, आश्रव विच्छुति जानी है, अब अनाश्रव जानना। इसके बाद हम पूरा चार्ट लेकर के आएंगे कि पहले गुणस्थान में कितने का आश्रव, कितने का अनाश्रव, कितने की विच्छुति। अब आप यहां पर केवल जानिए कि प्रथम गुणस्थान जिसका नाम है मिथ्यात्व, उसके अंदर आहारक द्विक का अनाश्रव है, माने 57 आश्रव है तो 55 का आश्रव है मिथ्यात्व गुणस्थान में। आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग इन दो का अनाश्रव है। तो मिच्छे हारदु मिथ्यात्व गुणस्थान में आहारक द्विक, द्विक माने आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग। शासन सम्मे मिच्छत पंचकम नत्थी, और शासाधन गुण स्थान में कह रहे हैं अनाश्रव कितने का है, 7 का। यानी 5 मिथ्यात्व जो पहले गुण स्थान में विच्छिन्न हुए, क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान से मैं जब अलग हो गए यानी दूसरे या चौथे गुण स्थान में आ गए तो 5 मिथ्यात्व वहां विच्छिन्न हो गए, नष्ट हो गए, शासाधन गुण स्थान में उनका अनाश्रव है, और 2 ये आहारक और आहारक मिश्र। तो कुल मिलाकर के 7 कर्मों का अनाश्रव है। कौन से गुण स्थान में? दूसरे शासाधन गुण स्थान में 7 का अनाश्रव। आप इसको अलग अलग लिखिए, और एक बार मैं समझती हूँ आप मेरे मुख से पढ़ने के बाद आपस में जरूर चर्चा करिए कि जब 5 मिथ्यात्व चले गए और आहारक आहारक मिश्र तो है ही नहीं, तो 2 वो मिल गए, तो शासाधन गुण स्थान में जो कि सम्यक्त से गिरने में मिथ्यात्व से आने के बीच में जिसका काल होता है, ऐसे शासाधन सम्यक्त नाम के गुण स्थान में 7 कर्मों का अनाश्रव रहता है। तो ये आपको बताया गया अनाश्रव नहीं होते हैं जो आश्रव। अब आते हैं तीसरे गुण स्थान में। तीसरे गुण स्थान में क्या कहा, अना द्वे मिश्रे, क्या कहते हैं कि तीसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी, अना माने अनंतानुबंधी की 4, यानी अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोक, ये 4 अनंतानुबंधी। और औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, कारमान का योग, आहारक द्विक माने आहारक आहारक मिश्र और मिथ्यात्व 5, इस प्रकार से 14 आश्रयों का अनाश्रव रहता है, 14 कर्म जो है ये नहीं आते हैं तो इनका अनाश्रव हो गया। ये आपको बताया तीसरे गुण स्थान में। अब चौथे गुण स्थान की बात सुनो, उन्होंने कहा कि चौथे सुनाहा, चौथे गुण स्थान में आप सुनिए। तो आगे की गाथा पढ़ते हैं, दो मिस कम खितया तस्वह वे गुव तस् मिसम च तस्वह वे गुव तस् मिसम च ओराल मिस कम ओराल मिस कम मचक मा पच्चक खानम तुनही पंचे पच्चक खानम तुनही पंचे। एक साथ पढ़िएगा, दो मिस कम खितया तस्वह वे गुव तस् मिसम च ओराल मिस कम पच्चकाणम तुन नहीं पंचे। क्या कहते हैं, चौथे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान की अनाश्रव को आप समझिए, औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र और कारमान का योग ये 3 नहीं होते। और उसके बाद में आप चाहे तो इसके आगे लिख लीजिए कि ऊपर के जो चौदह निकले हैं, ऊपर के उन 14 में से 3 आश्रव कम कर देने पर 11 हो जाते हैं। तो आपके चतुर्थ गुण स्थान में अनाश्रव कितने का रहा, 11 का, 14 में से
तीन निकल गए तो 11 कर्म अनाश्रो रूप में रहे, अर्थात चतुर्थ गुण स्थानवर्ती। ये देख लो, ये आपका गुण स्थान है विशेष रूप से। अगर आप मिथ्यात्व का पालन नहीं करते हैं, कोई कुदेव कुसाद गुरु की आराधना नहीं करते हैं, आप पूर्ण रूप से जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों पर श्रद्धान करते हैं, तो आप अविरत सम्यक दृष्टि नाम के चतुर्थ गुण स्थान में हैं। आपको समझो कि 46 कर्मों का आश्रय हो रहा है, जिनको मैं डिटेल में आगे बताऊंगी, और अनाश्रय का प्रकरण चल रहा है, तो इसमें 11 का अनाश्रय है, 11 कर्मों का अनाश्रय है, और आश्रय विच्युति है 7 कर्मों की। तो ये बात आगे की हम इसको लेते चलेंगे। आश्रय का प्रकरण चल रहा है, आश्रय त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, बहुत ही इसे रुचिकर समझना, बार बार पढ़ने से एकदम समझ में आता है, और समझने के बाद समझाने से और भी ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो इसको पढ़ करके अपने को कोशिश ये करना है कि हम जब तक पूरी तरह से आश्रय से रहित नहीं हो सकते, शुभ कर्मों का आश्रय करें, अधिक से अधिक शुभ चर्चाएं करें, गृहस्थ में भी रहकर ऐसा नहीं है कि केवल ही अशुभ चर्चाएं की जाती, सुबह से लेकर शाम तक जो शुभ अशुभ क्रियाएं करी, शाम को एक बार आप आलोचना पाठ पढ़िए कि किस तरह से 108 प्रकार से कर्मों का आश्रय करके और कर्म का बंद करते हैं। तो जब आलोचना पाठ करके अपने आत्मा की आलोचना कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आप कर्म उस दिन के पाप से छूट जाएंगे। अलग अलग दिन प्रतिदिन जैसे कमरे में झाड़ू लगाते हैं, ऐसे ही आत्मा के अंदर आलोचना पाठ करके झाड़ू लगा करके अशुभ कर्म की धूल को भगा देना, हटा देना, दूर कर देना, और शुभ कर्म का आश्रय करने का प्रयत्न करना। आज के स्वाध्याय का यही सार समझना। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, ज्ञान मती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय, परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।